तो ये था हमारा आज का डे वन इन उज्जैन। अब डे टू में जो जो होगा वो हम आपको आगे अपडेट करेंगे। सो तब तक गुड के लिए नाइट, गुड नाइट गाइस, बाय बाय बाय। बाय। थैंक यू फॉर राधे वॉचिंग राधे, माई ब्लॉग एंड हर ब्लॉग एज वेल। राधे राधे, जय जय श्री श्री श्याम। श्याम। हेलो गाइस, राधे राधे, जय जय श्री श्री श्याम। श्याम। वेलकम बैक टू द चैनल। और हाँ गाइस, आज है उज्जैन का हमारा डे टू और मॉर्निंग में टाइम हो रहा है अप्रॉक्सीमेटली 6:15। और हम लोग निकल रहे हैं आज ओमकारेश्वर और ममलेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए। और सब लोग थके थके हैं, स्वेलिंग हो रही है फेस पे, और वही ये सब हमने कल कुछ वाले कपड़े पहन लिए हैं क्योंकि वहाँ पे हमें एक होली नहाना बाथ है। लेने जाना है रिवर में, और उसके बाद में हम लोग वहाँ जाके नहा कर रेडी होके और फिर दर्शन करेंगे ओंकारेश्वर भगवान के। बने रहिएगा ब्लॉग में, देखिएगा कि हम लोग किस तरीके से यहाँ से जाते हैं। और यहाँ का जो ओंकारेश्वर का डिस्टेंस है वो अप्रॉक्सीमेट 150 किलोमीटर्स है, जो कि कवर करेगा 3 से 4 घंटे में। वैसे तो डिस्टेंस कम है बट ट्रैफिक रहता है और डुअल रोड है, सो उस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा हम लोगों को, ट्रैफिक में भी फेस करना पड़े। चलिए मिलते हैं आपको। हम लोग रास्ते में जो भी खाएंगे, जो भी पियेंगे, जो भी करेंगे वो आप सबके साथ में शेयर करेंगे। मौसम हो रहा है गाइस, बहुत मस्त हवा चल रही है, जैसा कि रात से ही चल रही है। मौसम बहुत अच्छा है जब से हम आए हैं। गाइज, आप लोग देख सकते हैं हमारी आ गई है गाड़ी। अब हम इसमें बैठकर जाएंगे ओमकारेश्वर। भैया हमारा वेट कर रहे हैं 10 मिनट से, बट इन बच्चों ने लेट कर दिया उठने में। हेलो पीपल, हम लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं और अब हम लोग निकल चुके हैं ओमकारेश्वर टेम्पल के लिए। और मौसम फिलहाल तो बहुत अच्छा हो रहा है, अभी तो हमने एसी नहीं खोला है, लेकिन थोड़े टाइम बाद आगे जाके हम लोग एसी खोलेंगे। और अभी तो आधे नींद में झूम रहे हैं क्योंकि रात को हम बहुत लेट 12-1 बजे तक सोए थे और सुबह सुबह हम 4:30 बजे से ही उठे हुए हैं, उसके बाद में भी टाइम पर नहीं पहुंच पाए हैं। यही हमारी खासियत है, यही हमारी अच्छी बात है, यही हमारी बुरी बात है। अब वो डिपेंड्स ऑन पीपल कि वो अच्छी बात मिले या नेगेटिव बात मिले। बेटर रहेगा अगर हम सुबह सुबह बात ना करें तो, ज़्यादा बेहतर। 1 घंटे बात बात करेंगे तो हम लोग होश में होंगे, अभी तो चांसेस में भी नहीं है, देख सकते हो आप। अपने आप को छुपाया जा रहा है खाते हुए ताकि इसे नजर न लगे। और पीछे बैठी है निशा। इस्तीफा इस्तीफा नहीं, निशा। टिशु, ये हमारा छोटा मोटा नन्ना बेबी साथ चल रहा है। टिशा, नन्ने बेबी की एज ही 21 साल है गाइस। 20 है भाई, एज भी अभी होगी। दूसरी बहन एक बहन की 1 साल एज बढ़ाने में लगी हुई है, लेकिन मैं 20 की और मैं 18। दो है ना, आगे जाते हैं। देखो कितनी खुश हो रही है। बच्चा अपना सामान ले रहा है। तो गाइस, अब हमारा पहाड़ों का रास्ता स्टार्ट हो गया है, अब माउंटेन व्यूज आपको देखने के लिए मिलेंगे अगले कुछ मिनट्स तक। और 2 घंटे की जर्नी हम लोग महाकालेश्वर मंदिर से पूरी कर चुके हैं टुवर्ड्स ओंकारेश्वर टेम्पल। और अब हमारा जो डिस्टेंस बचा है वो 1 से 1.5 घंटे का डिस्टेंस बचा है। सो चलिए अभी माउंटेन व्यू इंजॉय करिए और हम लोग भी माउंटेन व्यू को इंजॉय यहाँ से कर रहे हैं।
सो गाइज यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन में समोसा, दाल कचौरी, आलू कचौरी, प्याज कचौरी, साबूदाना वड़ा वगैरह था। आपको पता है जैसे ही आप इंदौर में आओगे तो आपको ढोकला और जलेबी और पोहा मिलना बहुत ज़्यादा कॉमन है। कॉफ़ी, सो गाइज यहाँ पर हमारी छोटे छोटे कप्स में चाय आ चुकी है, चाय पीने वाले भी रेडी हैं, नाश्ता भी हमारा आ रहा है, पूरा सजा हुआ है हमारा नाश्ता। तो हम आ चुके हैं ओमकारेश्वर, गाइस पहले हम स्नान करने के लिए जा रहे हैं, पहले हम स्नान करेंगे नदी पर। सो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं ओमकारेश्वर डैम, आप देख सकते हो कि पानी का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा हाई है, इन लोगों ने यहाँ पे पानी छोड़ा हुआ है, बहुत ज्यादा तेज पानी है। ये नर्मदा नदी है जो डैम के इस साइड बह रही है और डैम के दूसरी साइड जो है वो कावेरी नदी बह रही है। एक टाइम पे यहाँ पे जब बहाव कम हुआ करता था तो यहाँ से नाव जाती थी, नाव से आप ट्रैवल करके जहाँ संगम होता है कावेरी नदी का और नर्मदा नदी का, आप वहाँ जाते थे और वहाँ पहले स्नान करते थे और वो स्नान करने के बाद में आप आगे मंदिर की तरफ जाते थे। अब गाइज ये वाला घाट तो ये लोग बंद बता रहे हैं क्योंकि पानी का बहाव लिटरली बहुत ज़्यादा तेज़ है। अब हम जा रहे हैं ममलेश्वर टेम्पल के नीचे वाले घाट पर जहाँ पे पानी का लेवल शायद कम है तो वहाँ पे हम लोग स्नान कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं ममलेश्वर नदी के पास में घाट पर स्नान करने। गाइस हम नहाने गए थे, वहाँ हो गया बंद, वहाँ अब किसी को नहाना अलाउड नहीं है क्योंकि बहाव बहुत तेज है। अब हम देख रहे हैं कोई होटल या धर्मशाला, फिर नहाकर हम निकलेंगे दर्शन के लिए, जैसा भी होता है हम आपको अपडेट देते हैं। गाइस ये होटल लिया हमने मंदिर के पास नहाने के लिए क्योंकि वहाँ तो जिस नदी पे हमें नहाना था और जानी मानी नदी थी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मैं अभी आगे बताऊँगी लोग में, तो वहाँ तो नहाना पॉसिबल नहीं है तो हम यहाँ नहाने आए और तैयार होके निकलेंगे। गाइज ये वो डैम है, आप वाटर लेवल देख सकते हो कितना ज़्यादा तेज़ है, ऐसा लग रहा है ऐसे दूध सागर वाटरफॉल्स हो, पानी एकदम दूध जैसा लग रहा है।
ये वो ब्रिज है जहाँ से अभी हम लोग आए हैं और पानी इसी के थ्रू जो है वो नीचे से पास डाउन हो रहा है। ये ओमकारेश्वर टेम्पल की लाइन है और ऑफ सीजन में भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतनी ज़्यादा भीड़ मिलेगी। कल महाकालेश्वर टेम्पल में तो बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, आज यहाँ पे ओमकारेश्वर टेम्पल पे मुझे लग रहा है कि थोड़ा क्राउडी होगा। सो चलिए देखते हैं कैसा रहता है हमारे दर्शन। सो गाइज, इतनी तेज हवा चल रही है, मंदिर थोड़ा टॉप पर है, हम लोग ऑलरेडी लाइन में चल रहे हैं, पंखे बिना चलाए ही हवा से चल रहे हैं, इनके बाल उड़ने से पता चल रहा होगा। रुक गई हवा। अब हवा रुक गई है और ये दर्शनार्थियों की लाइन है, लाइन अभी बहुत लंबी है बट स्टिल मुझे लग रहा है कि 15 मिनट में दर्शन हो जाएंगे। जितना क्राउड एक्सपेक्ट किया था उतना क्राउड नहीं है। सो गाइज, यहाँ पर पंडित जी मिलते हैं बहुत सारे, मल्टीपल नंबर ऑफ पंडित जी मिलते हैं, 20, 25, 30, 50 आपके पास आएंगे, आपसे पूछेंगे कि आपको VIP दर्शन करने हैं या नहीं करने। तो मुझे तो पता है कि यहाँ पे VIP दर्शन करने का कोई फ़ायदा नहीं है बिकॉज आपका वैसे भी 15 से 20 मिनट में दर्शन हो जाते हैं। सो वो लोग आपसे 250 रुपीज़ या फिर 500 रुपीज़, क्राउड के ऊपर डिपेंड करता है, वो लोग आपसे चार्ज करते हैं। सो हम लोगों ने तो ये ऑप्शन में नहीं रखा, हम लोग अपने आप ही दर्शन करने जा रहे हैं और ऐसा नहीं है कि हम लोग पैसे बचा रहे हैं बट थोड़ा सा खुद भी कष्ट उठाना चाहिए दर्शन करते हुए। सो चलिए चलते हैं दर्शन करने। सो गाइज, अभी भी हम लोग लाइन में ही लगे हुए हैं बट ये हमारा एग्जिट पॉइंट है, जब हम दर्शन कर लेंगे तो हम भी यहाँ से ही एग्जिट होंगे जहाँ से लोग एग्जिट हो रहे हैं। गाइस, ये पुरानी गुफा से हमें ओमकारेश्वर टेम्पल के दर्शन हो रहे हैं। ये एक गुफा है, हम लोग एक्चुअली लकी हैं जो हमारी पुरानी गुफा से दर्शन हो रहे हैं। गुफा थोड़ी बंद है, सफोकेशन फील हो रहा है बट ठीक है, कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना पड़ता है। सो गाइस, आगे मैं आपको ओमकारेश्वर भगवान के दर्शन कराने जा रही हूँ।